हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रियंकास फूड टेक। मैं हूँ प्रियंका और आज की रेसिपी में मैं आपके लिए लेके आई हूँ कंडेंस मिल्क या मिठाई मेड। इससे आप कई तरह के डेजर्ट्स बना सकते हैं, जैसे कि आइसक्रीम, केक्स और मिठाई। और आज की इस रेसिपी को बनाना बहुत ही आसान है, इसको आप कभी भी बना सकते। सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसको बनाने में बहुत ही कम इन्ग्रीडियंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। तो सबसे पहले मैंने एक हैवी बॉटम पैन लिया है और इसमें मैंने 500 ml मिल्क ले लिया है। आप कोई भी मिल्क इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि फुल फैट या लो फैट या टोंड मिल्क, आप इसके टेक्सचर में कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो अब मैंने मिल्क को हाई हीट पर रख दिया है और मुझे इसे तब तक पकाना है जब तक ये रिड्यूस होके हाफ या उससे कम ना हो जाए। पहले मैं इसको अच्छे से स्टर करते हुए प्रिपेयर करूँगी, फिर उसके बाद मैं इसमें 200 ग्राम्स या हाफ कप शुगर ऐड कर दूँगी। अब इसको भी मुझे अच्छे से स्टर करना है। शुगर मिलाने पे क्या होगा कि इसका फ्लेवर, जब आप स्टार्टिंग में शुगर इसमें ऐड कर देते हो तो इसकी कंसिस्टेंसी तो अच्छी होगी, वो और भी ज़्यादा कैरामलाइज्ड होगी और ये दिखने में थोड़ा सा पेल येलो या लाइट गोल्डन आप बोल सकते हो, वैसा कलर आ जाता है, जो कि बहुत ही कंडेंस मिल्क को बहुत ही रिच लुक देता है। और जब हम इसमें शुगर पहले ऐड कर देते हैं तो इसकी कंसिस्टेंसी के साथ साथ इसमें बहुत ही अच्छा च्यूई और कैरामलाइज्ड फ्लेवर आ जाता है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले स्मॉल बबल्स आते। इसके पहले मैंने एक स्वीट डिश बनाई थी ना, मोदक, उसमें मैंने इसी कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल किया है। अगर आपने वो रेसिपी नहीं देखा तो इसको ज़रूर देखिए, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर ऐड कर दूँगी। तो चलते हैं हम कंडेंस मिल्क की ओर। अब इसमें हम एक पिंच या उससे भी कम बेकिंग सोडा ऐड कर देंगे और हम बेकिंग सोडा जैसे ही इसमें ऐड करते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें बहुत ही अच्छा सा फ्रॉथ हो जाता है। तो ये हमारे कंडेंस मिल्क को एक अच्छा सा टेक्सचर देता है। और अब इस स्टेज पे हमें इसे बहुत ही लो हीट पे कंटिन्यूसली स्टर करते हुए पकाना है, वरना ये बॉटम पर चिपक सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि आप कंडेंस मिल्क प्रॉपर ग्लॉसी और स्मूथ बने तो इसके लिए आपको स्टर करते रहना बहुत ही ज़रूरी है, वरना ये साइड में जम जाएगा और इसका फ्लेवर रबड़ी जैसा हो जाएगा। तो ये देखिए, पहले ये फ्रॉदी फ्रॉदी है और इसको जब हम और पकाते जाएंगे तो इसका फ्लेवर तो अच्छा होगा ही, साथ में ये बहुत ही सुंदर और ग्लॉसी ग्लॉसी सा लगेगा। तो अब हमारा कंडेंस मिल्क रेडी है। अब इसको थोड़ी देर स्टर करते रहिए, ठंडा होने दीजिए। और हाँ, अगर ये कहीं इसकी कंसिस्टेंसी डार्क हो जाती है तो इसमें हम थोड़ा सा मिल्क ऐड करके इसको वापस एडजस्ट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, अगर आप बनाते हुए इसमें लम्स आ जाते हैं तो इसको आप किसी भी स्टेनर से अच्छे से स्टेन कर सकते हैं और वापस इसको स्मूथ बना सकते हैं। तो ये रेडी है। इस कंडेंस मिल्क को आप एयरटाइट कंटेनर में रख के फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और जब भी आपका मन करे आप उसे निकालें और अपनी होममेड आइसक्रीम्स, डेजर्ट्स, केक, किसी भी को और भी ज़्यादा स्वादिष्ट बनाएं। तो मैं मिलती हूँ आपको अगली रेसिपी में। मेरी ये रेसिपी आज आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। और भी अच्छी रेसिपीज़ जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।